नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मीठे पोहे की रेसिपी नमकीन पोहे तो आपने बहुत बार बना करके खाए होंगे एक बार इस पोहे को बना करके जरूर ट्राई करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक कप पोहा और ये थोड़े पतले वाले पोहे हैं तो इसे हम सबसे पहले वॉश करेंगे और वॉश करने से इसकी जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाती है यहाँ पर हमने इसे वॉश कर लिया और इसी तरीके से इसे छन्नी के ऊपर ही रहने देंगे जिससे कि पोहे हमारे सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर एक कढ़ाही और इसे गर्म होने के लिए हमने रख दिया और कढ़ाही गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच घी और घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं तो जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा उसी स्टेज तक हमें इसे फ़्राई करना है तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये पोहा खासकर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो आप बच्चों के लिए इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिए हैं और अब इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे फुल क्रीम आधा कप दूध और कढ़ाई हमारा गरम है इसलिए दूध डालते ही देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे एक चौथाई कप गुड़ गुड़ अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर तो आप थोड़ा कम मीठा पसंद है तो थोड़ा गुड़ कम ऐड करें और इस तरीके से इसे मेल्ट होने तक हमें लगातार चलाते रहना है नहीं तो गुड़ बीच में चिपक सकता है तो आप देख सकते हैं गुड़ लगभग मेल्ट हो चुका है तो पूरी तरीके से हमें इसे मेल्ट करना है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो इस स्टेज पे अब हम ऐड कर देंगे पोहा और इसे बनाते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे तो यहाँ हमने दूध में पोहा ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि दूध पूरा सूख ना जाए और ये आप देख सकते हैं दूध अच्छे से सूख चुका है पोहा अच्छे से ड्राई हो चुका है तो इस स्टेज पे हमने ऐड कर दिया है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे चलाते हुए पोहे को बिल्कुल ड्राई कर लेना है तो यहाँ हमारा पोहा बन के रेडी है तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो ये मीठा पोहा बन करके सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे आप ब्रेकफास्ट में या लंच में भी बना कर के दे सकते हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में